जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डिफेंस एनालिसिस के नए एपिसोड में। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो पे हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका आंसर बहुत से लोगों को चाहिए और इसी को लेकर के तमाम प्रश्न वो इंटरनेट पर पूछते रहते हैं, लेकिन कोई सटीक आंसर नहीं मिलता। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय वायुसेना के लिए भारत सरकार को बॉम्बर एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए या नहीं। तो आइए जानते हैं कि क्या भारत को बॉम्बर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है और क्या हमें वाकई बॉम्बर एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए। देखिए, बात यह है कि भारत की जैसी टेरिटरी है और भारत के जैसे बॉर्डर हैं, उनको देखते हुए सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम अपने वायु शक्ति को मजबूत करें। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हम अपने वायुसेना की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करें। आपको पता ही होगा कि हमारी वायुसेना को लगभग 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, लेकिन वो स्ट्रेंथ लगातार घट रही है और एयरक्राफ्ट की कमी के कारण भारतीय वायुसेना को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 2030 से लेकर के 35 तक का समय भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी क्रूशल होने वाला है, क्योंकि ये समय ऐसा होगा जिसमें भारतीय वायुसेना को अपने मिग 21 और सुखोई 30 MKI, मिग 29, मिराज 2000 जैसे जहाज़ों को अपने वायुसेना से हटाना होगा, अपने बेड़े से हटाना होगा। और उनको हटाने के बाद भारतीय वायुसेना के पास सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि किस प्रकार वो इन जहाज़ों की कमी को पूरा करे। यहाँ पे तमाम ऑप्शन है, या तो भारतीय वायुसेना जल्दी से जल्दी अपने तेजस Mk2 के प्रोडक्शन को शुरू करे, या फिर MMRCA 2.0 जिसमें 114 विदेशी एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं उनको सेलेक्ट करे। लेकिन ये अभी इतनी आसानी से पूरा होता नहीं दिख रहा है। वही अगर हम बात करें बॉम्बर्स की, तो जैसे भारत की सीमाएँ हैं वो अधिकतर पहाड़ों पर हैं या रेगिस्तानों पर हैं, और उस तरह के मिशन को हमारे सुखोई एयरक्राफ्ट काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि क्या भारतीय वायुसेना को बॉम्बर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, तो मैं नहीं समझता कि अभी ऐसा होगा। और फिलहाल इस समय बॉम्बर एयरक्राफ्ट लेना कोई समझदारी भी नहीं है। आपको पता ही है कि चाइना ने अपने बॉर्डर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं जिनके रेडार बहुत ताकतवर हैं। अगर भारत एयरक्राफ्ट लेता भी है बॉम्बर, तो भारत के सामने 2-3 ऑप्शन ही हैं। या तो TU-22 लेगा भारत रशिया से, या TU-160 लेगा, या B-1 बॉम्बर जो कि अमेरिका शायद बेचने के लिए तैयार भी नहीं है। और ये इनमें से एक भी एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रेंज से बच सके, यानी इनमें से एक भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के निशाने पर ना आ सके। अगर हम बॉम्बर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट की बात करें, तो ये World War II का कॉन्सेप्ट है। World War II में नॉर्मेंडी, डी डे, हॉक्सरिज ऐसे बहुत सी फाइट्स हुई थी, ऐसे बहुत से युद्ध हुए थे जहाँ पे बॉम्बर्स ने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। लेकिन हम अगर मॉडर्न वॉरफेयर की बात करें, तो आज हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकतवर रेडार्स हैं, एक से एक एडवांस एयर टू सैम मिसाइल्स हैं। वहीं अगर हम बॉम्बर एयरक्राफ्ट की बात करें, तो इनका खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। बॉम्बर एयरक्राफ्ट के एक बार उड़ान का खर्चा उतने में हमारे सुखोई तकरीबन 7 एयरक्राफ्ट उड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बॉम्बर एयरक्राफ्ट अगर भारत लेना भी चाहता है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर की तरफ ध्यान देगा, ना कि अपने पुराने हो रहे बॉम्बर्स पर। फिलहाल बॉम्बर एयरक्राफ्ट की अगर हम ज़रूरत की बात करें, तो वायुसेना को इस समय बॉम्बर एयरक्राफ्ट की नहीं बल्कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार भारतीय वायुसेना की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो रही है, वैसे में बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना को चाहिए एक अच्छे ओमनी रोल एयरक्राफ्ट या मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। और फिलहाल अगर हम MMRCA की बात करें, तो MMRCA में राफेल से अच्छा ऑप्शन इस समय नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि SU-35 को भी लेकर रशिया काफ़ी उत्सुक है, और MiG-35 को भी लेकर के। हालांकि पिछली वीडियो में हमने MiG-35 पे बात की थी, लेकिन अगर SU-35 की बात करें, तो वो एक एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट है और भारत को चाहिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। तो अगर बॉम्बर्स की बात करें, तो बॉम्बर्स हमें नहीं चाहिए, और ये खुद भारतीय वायुसेना के बहुत से अधिकारी भी बोल चुके हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को चैनल लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।